बात यह है कि अभी इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेरत अंगेज और जो है ना वसी तरक्की ने इस एज को मीडिया एज में बदल दिया है और इस सिलसिले में और अब मीडिया कंजपशन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक मीडिया कंज्यूमर्स हैं हर को अपनी पसंद पसंद की और उससे उस सारा है। और इसमें जो अब जो न्यूज़ लैंडिंग है जो न्यूज़ न्यूज रूम के अंदर वो पहले जो है ना रिपोर्टरों के जरिए होती थी अब वो जो है ना वो न्यूज़ लैंडिंग का अब ही बदल गया है अब इसमें यह है कि बहुत सारी तंजीमें और पोलिटिकल पार्टीज और बहुत सारे जो इवेंट्स करते हैं वो अपने इवेंट्स की खुद ही रिपोर्ट जो है ना वो बना कर वो यानी कि मीडिया आउटलेट्स को भेजते हैं और उसकी जो है ना वो भेजना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि मिसाल के तौर पर अगर ये आज क्लाइमेट चेंज पे जो है ना ये आज का इवेंट है इस पे हम किसी ऐसे रिपोर्टर को भेजें जिसको क्लाइमेट चेंज की छुदबुद्धि ना हो तो और अगर हो भी तो वो एक मार्जिनल किस्म की होगी ग्लोबल लेवल की होगी तो इसमें जो पॉइंट्स आप फोकस करना चाहते हैं वो उस तौर पर नहीं होगा देखिए मेरा खुद एक मेडिकल का भी एक बैकग्राउंड है जो ये मेडिकल कॉन्फ्रेंस जो होती थी तो इनको शिकायत होती थी कि इनके मीडिया में कवरेज जो है ना बहुत कम होता है तो उनको हमने तजवीज़ दी कि आप जो है ना ये इसका अपनी रिपोर्टिंग का कंटेंट खुद डेवलप करके मीडिया को दें अभी बहुत सारे कर रहे हैं इसमें डाउ यूनिवर्सिटी का जो है ना वो, आ, वो शोबा मीडिया का बहुत ही आगे है और उसकी बहुत सारी खबरें छपती हैं एस का शोबा जो है ना इस सिलसिले में बहुत ही आगे है तो ये भी एक किस्म की एक है कि अगर आप जो है ना जो मंतजमी है वो अपना जो है ना एक मीडिया सेल बनाएँ तो वो अब बात और फिर बात है कि कराची अब बहुत बड़ा शहर हो गया है कोई भी इदारा जो है ना इतने रिपोर्टर्स ना रख ही नहीं सकता अब इतने लाइव इवेंट्स हो रहे होते हैं तो वहाँ पर शॉर्टेज पड़ जाती है और बहुत सारे जो है ना वो नहीं पहुँच पाते तो आप उस पर बीट में कर रिपोर्टर रखने की बजाय डेस्क के अंदर जो है ना क्लाइमेट चेंज रिपोर्टिंग का जो है ना एक सेक्शन हो और जो कि इसको डील करें ये इसका एक बेहतर है और जितनी भी तनजीमें काम कर रहे हैं वो अपने पास जो है ना अपने इंडिजनीस ख़ुद ही जो है ना सेल्फ जनरेटेड जर्नलिस्ट बने और उस किस्म के प्रेस रिलीज और राउंड राउंडर्ड और उसको जो है ना ऑडियो विजुअल के साथ सपोर्ट करके दें तो खास एक बेहतर बात होगी और फिर बात यह कि इस सिलसिले में जो चीज़ें आती हैं जैसे कि अभी हमारे बताया हमारे दोस्त ने सीप, सीपा का जिक्र किया और जो मुग़ल साहब हैं जिस किस्म की हैं तो इनके इनके भी जो है न करतूत अगर आगे आए और सिलसिला सारा हो लेकिन मसला बुनियादी तौर पर यह भी है कि मीडिया जो कोई अगर इसकी निशानदेही करे कि इसके अंदर गड़बड़ है तो बहुत सारी फोर्स जो है ना वो मीडिया को इस रिपोर्टिंग पर रोकने पर जो है ना वो मश हो जाते हैं तो इसके लिए एक आवाम का जो है ना एक अफसर मौजूद होनी चाहिए तो मैं फिर ये बात ये कहूँगा कि अवाम का जो है ना सिलसिला सारा जो कुछ हो अब मिसाल के तौर पर अब एक आसफ़ जरदारी ने कह दिया कि हम तो कार्बन क्रेडिट से भी जो हमने कई मिलियन डॉलर वसूल किए हैं तो भाई वो कहाँ आए किधर गए हैं वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में तो नहीं आए वो कहाँ गए सीधा पिंडी पहुँच गए या क्या हुआ ये भी एक इस किस्म की चीज़ें हैं तो मैं ये कहता तो हूँ ये इंटीग्रेटेड मसला है इसमें सिर्फ मीडिया को जो है ना एक मूरत इल्ज़ाम आप जितना ठहराना चाहें उसकी अपनी भी एक शेयर है इस सारी सूरत हाल के अंदर लेकिन जो इन्वायरमेंट पे और जो क्लाइमेट चेंज पे काम करने वाले जो इदारे हैं जो गैर सरकारी तनजीमें हैं जो वॉल्टियर तंजीमें हैं वो इस मसले पर अगर तोज्जो दें अपना जो है ना एक मीडिया सेल बनाएं और वो करें बल्कि यह है कि मैं तो फ़रोज़ा की इंतज़ामियों को मशवरा दूँगा कि उस इस सिलसिले में जो है ना कंटेंट क्रिएशन के लिए कोई एक जो है ना वो एजेंसी की कोई तश्कील दें एक वॉलेंटियर एजेंसी जो इन तमाम लोगों का है और इसके अलावा जो इन्वामेंट पर और क्लाइमेट चेंज पर जो काम करने वाले हैं वो अपना कोलेशन बनाएँ कंट्री वाइड भी कोलेशन हो उसमें और उसका यो तो इसका काफ़ी तदारक मौजूद है अगर आप सिर्फ मीडिया पर डिपेंड करते रहेंगे तो यकीन जानिए कुछ नहीं होगा मीडिया का पेट भरना है वो दोजा है उसके अंदर स्टफ़ चाहिए वो इस स्टफ़ के अंदर आप अपना भी क्रिएटिव और तारीखी रोल अदा करें तो बेहतर सिचुएशन डेवलप हो सकती है बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बिल्कुल